हेलो एंड वेलकम टू यूवास, लेट्स कमेंस टूडेज प्रैक्टिस। माय डियर, इस प्रैक्टिस को शुरू करें इससे पहले आपको एक जानकारी देनी है कि यदि आपने यूवास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको लेकर के ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोज लेके आता रहूँगा। आज का कपाली अलविदा कहने जा रहा है आपसे, क्योंकि अंतिम एपिसोड है, तो इसे आप सैल्यूट करिएगा, अच्छा लगेगा। अगर इस कपाली में आप 10 क्वेश्चन भी अच्छे से कर ले जाते हो तो बहुत बड़ी बात होगी। माय डियर, एक चीज़ मुझे आपसे कहना है और कहना ही पड़ेगा। क्यों? कल की जो कपाली थी उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जिसका आंसर नाइट है, जो फर्स्ट स्टोरी टेलर है। तो जिन लोगों ने रिमाइंड कराया उनको दिल से शुक्रिया। माय डियर, कभी कभी हो जाता है गलतियाँ, तो उसको मैं अमेंड करके कमेंट बॉक्स में लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स दोबारा ज़रूर चेक कर लिया करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस, और ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। हाउ मैनी एक्ट्स डज द डायनेस्ट बोस्ट ऑफ? करेक्ट ऑप्शन इज डी, 19 इज द राइट आंसर। सभी लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ सही जवाब है 19। नेक्स्ट, हु रोट द वुमन इन व्हाइट? क्वेश्चन अच्छा है, आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, आप लोग तब तक टिक करते रहिए। द वुमन इन व्हाइट इज रिटन बाय, बहुत अच्छे से करिएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, विकी कॉलिंस, अच्छा नाम है, एसोसिएट करो वुमन इन व्हाइट विकी कॉलिंस, एल साइलेंट है ना। नेक्स्ट, हु रोट मेमोयर्स एंड कन्फेशंस ऑफ अ जस्टिफाइड सिनर, काफ़ी अच्छा नाम है, थर्ड में ध्यान से देखिएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कि जेम्स हॉग इज द राइट आंसर। फिर दोबारा पढ़ता इसलिए हूँ, कई लोगों को लगता होगा सर दोबारा क्यों पढ़ते हैं। माय डियर, दोबारा इसलिए पढ़ता हूँ कि आपको याद हो जाए, है ना। हाँ बिल्कुल, दिमाग नहीं लगाना है कि दोबारा क्यों, दोबारा आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मेमोइर्स एंड कन्फेशंस ऑफ अ जस्टिफाइड सिनर किसने लिखा माय डियर? बोलो प्यार से, जेम्स हॉग। Which novel deals with the problems of a struggling writer? बहुत अच्छी बात है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और एकदम क्वेश्चन भी नया लगेगा, सब कुछ नया लगेगा। करेक्ट ऑप्शन ए, हमें सही से मतलब है, न्यू ग्रब स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड ब्लू ब्लीक एम्बर्स ए माई डियर फॉल गर्ल themself and gas gold vermilion, who is the poet, किसने लिखा है ये लाइन? आप सभी साथियों को जवाब देना है। करेक्ट आंसर इज हॉपकिंस, यानी कि यहाँ पर सही आंसर आपका डी है, डी इज द राइट आंसर, गेराल्ड मैनली हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर कैन वी फाइंड द चेशर कैट? ऑप्शंस देखिएगा ध्यान से, द जंगल बुक, द विंग्स ऑफ द डव, एलिस इन वंडरलैंड, किंग सोलोमन्स माइंस। सभी साथियों को रिप्लाई करना है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको और मिनिमाइज करते हैं, है ना। चलो बताएं, 6 नंबर पे सभी साथी भाग आजमाएं, अपना अपना लगाइए। करेक्ट आंसर इज सी, एलिस इन वंडरलैंड। नेक्स्ट 7 नंबर पर आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टू विच पोइट डज हार्डी ओ हिज टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड? ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा दो, लगा दो तो मतलब लगा दो, आना ही आना है। 7 नंबर, थॉमस ग्रे इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा क्योंकि आपको लर्न करवाना है। माय डियर, थॉमस हार्डी किस, इस जो इन्होंने टाइटल लिया था फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड, ये किस पॉइंट के रीडी हैं इस टाइटल के लिए? तो वो ग्रे साहब हैं। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन, टू विच हार्डी नॉवेल डू वी फाइंड द प्रेजिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स? चलिए, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, डेस्परेट रेमेडीज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज टेस्ट।
चारों याद रखना, किसी का भी नाम पूछेगा और कहेगा किसने लिखा तो बोलना हार्डी। 8 नंबर में सही आंसर की ओर कुछ साथी जरूर बढ़ेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज डी, टेस। नेक्स्ट, द प्रेजिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स आपको मिलता है टेस्ट में। वेयर डू वी फाइंड द स्टोनहेंज? चलिए पढ़िए चारों ऑप्शंस और दीजिए जवाब। करेक्ट ऑप्शन इज बी, टेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 10 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेसेक्स फॉर्म्स द बैकग्राउंड टू द नॉवेल्स ऑफ, जो वेसेक्स है ये किसकी नॉवेल्स का बैकग्राउंड सेट कर रहा है? और यहाँ पर अब किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर बॉम्बे, थॉमस हार्डी। 10 में अच्छे से याद कर लेना, वेसेक्स एकदम रट लो। और कुछ लोगों को तो मुझे पक्का पता है कि जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं याद ही है। चलिए आर के नारायण का बताइए कि क्या है प्लेस, जैसे इनका वेसेक्स है। द वे ऑफ ऑल फ्लैश, अब आर के नारायण आपके पीजीटी में नहीं रहे, पहले थे। द वे ऑफ द ऑल फ्लैश वॉज रिटन बाय, एकदम नई बुक पूछेगा परीक्षा में और आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, तो ये ऐसे ही आ जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सैमुअल बटलर का है ये, द वे ऑफ ऑल फ्लैश, सैमुअल बटलर। नेक्स्ट, ईस्थर वाटर्स 1894 बाय जॉर्ज मूर इज अ, क्या है ये माय डियर, कैसा नॉवेल है? सेंटिमेंटल नॉवेल, सटारिकल नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, नेचुरलिस्ट नॉवेल। 12 नंबर में आजमाइए भाग अपना अपना, सभी साथी जवाब दें भाई। करेक्ट आंसर इज डी, ये है नेचुरलिस्ट नॉवेल। नेक्स्ट, ऐसे याद कर लो, नेचर पानी से जुड़ा हुआ है ना, या नदी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, 13 नंबर, हु सेड अ वूमन इज ओनली अ वूमन बट अ गुड सिगार इज अ स्मोक, किसने ऐसा कंपेरिजन कर दिया भैया 13 नंबर में? और ये तो किपलिंग ही कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी, रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट, किपलिंग्स रिसेशनल वाज रिटन बाय द ओकेजन ऑफ विक्टोरियाज, किस अवसर पर लिखी गई थी? 14 नंबर में सही आंसर की ओर चलेंगे, सी इज द राइट आंसर, डायमंड जुबली। द करेक्ट आंसर ऑफ डायमंड जुबली, हमारे सभी साथी बताएं कि डायमंड जुबली कितने ईयर में होता है, बताइए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट, अब कुछ लोग तो वेडिंग एनिवर्सरी लगा देंगे क्योंकि दिमाग में वही चलता रहता है, हाय राम हाय राम। नेक्स्ट, विच टाउन डिड हार्डी रीनेम एज कैस्टर ब्रिज इन हिज नॉवेल, बहुत जोरदार क्वेश्चन है माय डियर, झूम के पढ़ो ये क्वेश्चन। विच नॉवेल डिड हार्डी रीनेम एज कैस्टर ब्रिज इन हिज नॉवेल, अपनी नॉवेल में ऑथर ने किसका नाम कैस्टर ब्रिज रखा है? तो आपको सभी लोगों को रिप्लाई करना है, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डॉरचेस्टर। यस। नेक्स्ट, विच नॉवेल डील्स विद द 4 जनरेशंस ऑफ फॉन्टिफैक्स फैमिली, कौन सा है माय डियर? 16 नंबर में सभी साथी रिप्लाई करें, द वे ऑफ ऑल फ्लैश इज द राइट आंसर। 16 का सी आंसर एकदम करेक्ट है। अब 17 की ओर चलेंगे। श्रॉपशायर लेडी बाय ई एम हॉसमैन इज, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 17 में याद रखिएगा, ये कलेक्शन है पोएम्स का। आज पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और आप एकदम तेजी से जवाब दीजिए। अरे गलत सही छोड़ दो, नहीं आता तो 4 में से 1 लगाओ, कुछ तो सही निकलेगा, लगाना है लेकिन, है ना। परीक्षा में ये ना करना कि जो आ रहा है वही करके आए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आज बहुत जल्दी आपको मैं ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले किन किन चीज़ों को संभाल के रखना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे जाना है, पूरा बताऊंगा, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। जल्दी 1-2 दिन में लेके आऊँगा वीडियो। वेयर वुड वी फाइंड अकेला द उल्फ, बगीरा द पैंथर एंड रिक्की टिक्की टवी द मोंगूज, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। 18 में द जंगल बुक इज द राइट आंसर, एकदम सही है। मुझे बताओ माय डियर तुरंत कि द जंगल बुक किसने लिखा, ऑप्शन में तुरंत दीजिए, अभी कमेंट में तुरंत भेजिए। करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पर हम लोगों ने 19 तक कर लिया है।
अब 18 की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। विच नॉवल कंसिस्ट ऑफ अ विजन ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 2090 प्रेजेंटेड एज अ ड्रीम ऑफ विलियम गेस्ट। बड़ा जोरदार है भाई। करेक्ट ऑप्शन इज बी न्यूज फ्रॉम नोवेयर। नेक्स्ट, लिटरेचर एंड डॉगमा इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, टी एच हक्सले, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल। 20 नंबर में सभी साथी, और इसको तो मैंने पढ़ाया है, आप याद करके बताओ पढ़ाए हैं कि नहीं बताइए। मैथ्यू आर्नोल्ड, अरे हमारा नोट्स उठा के देख लो, लिटरेचर एंड डॉगमा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मिलेगा, रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट, सेसम एंड लिलीज बाय रस्किन इज अ क्या है माय डियर? सेसम एंड लिलीज ये है, आखिर रस्किन ने जो लिखा है ये है क्या? सी इज द राइट आंसर, एक्सटेंडेड प्रोज पीस। नेक्स्ट, रस्किन नेम्ड हिज ऑटोबायोग्राफी एज, सीधा सीधा कह रहा है कि भैया रस्किन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? द करेक्ट ऑप्शन इज बी प्रेटेरिया। नेक्स्ट, वॉट इज द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ लेटर्स दैट रस्किन एडेस्ट टू द वर्किंग क्लासेस? क्या नाम था उस सीरीज का 23 में? तेजी से जवाब आना चाहिए। करेक्ट आंसर इज सी फॉर्स क्लेविगेरिया, क्लेविग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नए हैं कि नहीं बताओ थोड़ा एक बार। 24, अब देखो आज से पिंड छूट जाएगा कपाली का। अंकल टॉम्स कैबिन इज अ नॉवल बाय, किसकी नॉवल है ये अंकल टॉम्स कैबिन? 24, सी इज द राइट आंसर, स्टोव, हैरियट बीचर स्टोव। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं परीक्षा में, लेकिन 5 से 8 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। ऐसे ही मिलेंगे कि कहोगे कि अरे तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको याद ही पढ़ लो। द सब टाइटल ऑफ अंकल टॉम्स कैबिन इज, बताइए सब टाइटल क्या होगा, कुछ अंदाज लगा के बता दो, कुछ तो लगाओ ऑप्शन। यस, बी इज द राइट आंसर, लाइफ अमंग द लोली। नेक्स्ट, 20,000 लीगस अंडर द सी वॉज रिटन बाय 26 ज्यूस वेरन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंकल टॉम्स कैबिन इज अ स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी है माय डियर? 27, ये गुलामों की कहानी है, स्टोरी ऑफ स्लेव्स इज द राइट आंसर। ज्यूल्स वर्न इज फ्रॉम द कंट्री फ्रांस, स्कॉटलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, लगाइए। 28, करेक्ट ऑप्शन इज सी फ्रांस। नेक्स्ट, वेयर वुड यू फाइंड ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर फॉक्स एंड ब्रेयर बियर? क्या जंगल बुक लगा रहे हो फिर से इस बार? भाई गलती ना करना, सोच समझ के लगाना, क्योंकि बार बार चांस नहीं मिलना। अरे जंगल बुक अब क्यों लगाओगे, एक बार लगा चुके हो, बहुत है। करेक्ट ऑप्शन इज सी अंकल रेमस। 29, 30, अंकल रेमस इज अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय रुडयार्ड किपलिंग, क्या सही आंसर है? 30 नंबर में बताएं, क्या जॉल हैरिस होगा, हैरियट बीचर स्टोव होगा, लेविस कैरोल होगा? जिन लोगों को बड़ा गर्व हो जाता है लिटरेचर पढ़ने के बाद में कि नहीं अब तो हम पूरा सही करके आएंगे, बस उन्हीं लोगों की खोपड़ी में छेद करने के लिए कपाली प्रकट हुआ है, इसलिए इससे मॉरल डाउन नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन पूरे पेपर में केवल 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, अधिकतम 8, ठीक। चलो बताओ 30 नंबर में अपना अपना भाग आजमाइए सभी लोग। करेक्ट ऑप्शन इज बी जॉल हैरिस। नेक्स्ट, वेलरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेइंग्स ऑफ सैम वेलर, अ फिक्शनल कैरेक्टर इन अ नॉवल बाय 31 चार्ल्स डिकेंस के नॉवल से लिया गया है। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, सेक्रीफाइस, पावर, ट्रूथ, नेचर? 32 में जवाब दें। करेक्ट आंसर इज डी नेचर। नेक्स्ट, चलो आज 10 क्वेश्चन करके दिखाओ। द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर वॉज रिटन इन 33
हाँ, एक भैया लिख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं। 1845 इज़ द राइट आंसर, 1849 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए 33 में ऐसे क्वेश्चन ही कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर क्या है 1849 है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द मैगजीन कंसर्निंग द कॉज ऑफ द प्री रेफ्लाइटिस, ये क्वेश्चन तो भैया गजब का है, ये तो आपको याद होना चाहिए। और मुझे पता है कुछ साथी इसका सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। 34 बी इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा इस मैगजीन का नाम नहीं भूलना है, क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब द नेम ऑफ द मैगजीन कंसर्निंग द कॉज ऑफ द प्री रेफ्लाइट्स, ये प्री रेफ्लाइट्स जो लोग थे उनसे जुड़ी हुई है, जो ऑथर्स थे इसके सपोर्टर, द जर्म नाम है। सिस्टर हेलेन इज अ पोएम बाय, किसकी पोएम है भैया, रस्किन, रसेटी या अर्नोल्ड, चलिए बताएं। 35 सी इज़ द राइट आंसर, डी जी रसेटी, याद रखना, अच्छी पोएम है, इंपॉर्टेंट लगा दो। हु सेड इफ अ चैप कांट कंपोज एन एपिक पोएम वाइल ही इज वीविंग अ वीजिंग अ ट्रेजरी ही इज नो गुड एट ऑल। 36 करेक्ट आंसर इज सी, विलियम मॉरिस इज द राइट आंसर। एटलांटा इन कैलिडोन वॉज रिटन बाय, क्या गजब की है और नई पुस्तक एकदम है। करेक्ट ऑप्शन इज बी स्विनबर्न, ए सी स्विनबर्न, याद रखेंगे। 38 मैरिस एंड एपिक्यूरियन वॉज रिटन बाय, एकदम नया लग रहा हो तो एक बार थम्सअप करिए, और यहाँ से आज पक्का दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक तो कोई रोकने वाला नहीं। 38 बी वाल्टर पैटर। नेक्स्ट, जब बहुत रिसर्च किया गया कि भैया ये नया नया क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो पता चला कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आता है। 39 आइए देखें, अटलांटा इन कैल्डनन इज रिटन इन द मैनर ऑफ हिज ट्रेजडी। 39 में सभी लोग बोलेंगे ए इज द राइट आंसर, फ्रेंच। 40 चलिए, रेबियंट ऑफ ओमर खयाम रिटन बाय, 40 नंबर में द करेक्ट आंसर इज बी एडवर्ड फिट्ज़गेरल्ड। गॉबलिन मार्केट वॉज रिटन बाय, 41 सभी साथी रिप्लाई करें, द करेक्ट ऑप्शन इज डी क्रिस्टीना रोसेटी। 42 की ओर बढ़ेंगे, हु वियरिंग द वाइट रोज ऑफ मैरिज गिफ्ट एंड होल्डिंग द मिस्टिक लिलीज लीन्स फ्रॉम द गोल्ड बार ऑफ हेवन इर्निंग फॉर हर लवर। चलिए ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी द ब्लेस्ड डॉम चेल। नेक्स्ट, विच फिगरेटिव टर्म डिड जॉन रस्किन गिव टू इंग्लैंड लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को कौन सा फिगरेटिव टर्म दिया रस्किन साहब ने। 43 में जवाब दें, पैथेटिक फैलेसी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसको ऐसे लर्न करो, पैथेटिक फैलेसी इज गिवन बाय रस्किन। नेक्स्ट, रस्किन्स अनटू दिस लास्ट इज अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमी स्पिरिचुअल वैल्यूज गुड कन्वर्सेशन पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। 44 का सही आंसर है ए पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट, से नॉट द स्ट्रगल नॉट एवेलेंथ इज अ पोएम बाय, 45 करेक्ट आंसर इज बी आर्थर होकलॉक। नेक्स्ट, कैसा बॉडी विंडोज वाज रिटन बाय, 46 करेक्ट ऑप्शन इज मिसेस ब्राउनिंग। नेक्स्ट, 47 की ओर चलते हैं, विच ड्रामेटिक पोएम इज अबाउट एन इम्प्रूव्ड यंग विंडर ऑफ सिल्क हु सिंग्स एज शी वंडर्स एनिमल्स। 47 करेक्ट ऑप्शन इज बी पिप्पा पासेज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेक्शंस कॉल्ड मॉर्निंग नून इवनिंग नाइट, किसमें सेक्शन मिलते हैं, 48 में जवाब देना, और एकदम सही पकड़ रहे हो, ए इज द राइट आंसर पिप्पा पासेज। नेक्स्ट,
विच डे इज पिप्पाज ओनली हॉलीडे फॉर द एंटायर ईयर, कौन से दिन छुट्टी होती है न्यू ईयर मॉर्न, ए बी इज द राइट आंसर 49, 50 और लास्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट फिक्शन शुड बी द ग्रोन मैन व्हेन प्ले इज टू बी चाइल्ड, किसने ये इतनी बड़ी बात कह दी, करेक्ट आंसर इज डी आर एल स्टीवेंसन, इन्होंने क्या कह दिया कि फिक्शन शुड बी द ग्रोन मैन, नॉवेल उपन्यास क्या है, एक ग्रोन यानी समृद्ध व्यक्ति है, मैच्योर व्यक्ति है, और प्ले इज टू द चाइल्ड, और प्ले क्या है, नाटक की तो बच्चा होता है। ये इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब कल से हम एक बहुत ही धुआंधार सीरीज लेकर के आपके लिए आना चाहते हैं जिसका नाम है बम बम सीरीज, उसके लिए एकदम तैयार हो जाइए, और ये बम बम सीरीज अपने आप में धमाल करेगी, और ये तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। इसमें क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए युवा से, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।